हाय दोस्तों, कैसे हैं आज? एक यूएसए की लिस्टेड कंपनी जो है नैसडेक में लिस्टेड है, बर्कशायर हैथवे, इसके बारे में लेके आया था, थोड़ा सा अपडेट लेके आया था। ये फॉल तो किया, सबको मालूम है कि ये शेयर फॉल किया है, लेकिन ये फर्दर फॉल करने की पूरी गारंटी रखता है, इसके लिए ये अपडेट लेके आया था। ये बर्कशायर हैथवे ये है क्या? ये वॉरेन बफे जी हमारे हैं, और जो कि इसके सीईओ हैं, इन्होंने इसको एक्वायर कर लिया है। और आप देखेंगे इसमें अच्छी खासी फॉल हुई है, क्योंकि इनकी होल्डिंग जो थी एप्पल में वो मोर देन 24% थी, और एप्पल में गिरावट आई है। ये सिंपल सी कहानी थी। तो बर्कशायर हैथवे इनकॉर्पोरेशन है अमेरिका के मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट होल्डिंग कंपनी, हेडक्वार्टर इन ओमा ओमा में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में आता है। और वॉरेन बफे की देखेंगे 30.71% ऑफ द एग्रीगेट वोटिंग पावर है, एंड 16.64% ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो टोटल 30% और 16% जो है इनके पास वॉरेन बफेट के पास है। इसका हेडक्वार्टर जो ओमा में है, नेवास्का में है, यूनाइटेड स्टेट में। और टोटल इसकी रेवेन्यू देखेंगे 24,213 करोड़ में, ये यूएसडी की बात कर 2017 की जो इन्होंने दिया है। तो रिसेंटली क्या हुआ, ये बख्शा रहते हुए जो वॉरेन बफे जो जहाँ पे भी बाय करते हैं इसके थ्रू करते हैं, इसका अपना एक इंडेक्स है, वो बाय करता है, और उसके थ्रू यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे जो इस शेयर का वैल्यू है अभी अभी जो आपको दिख रहा है 2,92,500 US डॉलर दिख रहा है, ये यूएसडी डॉलर है, क्योंकि अप्रॉक्स आपके पास होगा 3 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास जो भी आएगा आपको, 2,47,00,000 जो जो भी आएगा, 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो 2,40-2,47 के आसपास आएगा अपने, 1-2 करोड़ के आसपास के एक इसका ये है आप देखेंगे, तो 2,92,500 × 70 करेंगे अप्रोक्स 2,47,50,005 के आसपास एक शेयर का वैल्यू आता है अभी जो है, जो लास्ट डे मतलब ये 4 जनवरी की क्लोजिंग दिखा रहा है। और ये थोड़ा अप हो गया था, गिरा और इससे भी ज़्यादा था, इसके पहले प्रीवियस जो क्लोज था 2,87 का था, जो भी 2,92 पे अप होकर के हुआ है। इसमें एक चीज़ देखा गया, इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 3,35,900 है, 3,35,900, और 52 वीक लो देखेंगे 2,279,410 है। तो वापस ही अपने लो को 279 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा अभी, और इसको तोड़ेगा भी, मेरे अंदाज से नया 52 वीक लो ये बनाने को भी तैयार है, जो बन जाएगा आपको। तो इसका हाई देखेंगे तो 3,35,900 × 70 करेंगे तो 2,35,13,000 का आता है, एक शेयर की वैल्यू है ये। तो हम यूएसडी में भी जो बात करेंगे अभी यूएसडी में ही बात करेंगे। तो आप देखेंगे ये जब हाई बनाया, यहाँ से हाई बनाने के बाद ये कंटिन्यूस फॉल किया, और उसका सिर्फ एक कारण था कि एप्पल जो इसकी सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी है, तो 24% की होल्डिंग है, इसमें एक फॉल देखने को मिला। एप्पल जो कि चल रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे एप्पल चल रहा था 230-232 में, और उसमें कंटिन्यू फॉल दिखाई दिया, इसके कारण ये होल्डिंग चूंकि इसकी ज़्यादा थी। और उसका क्या रीज़न था कि चाइना में एप्पल पे थोड़ा सा सेल कम हुआ है, जो एप्पल के सीईओ हैं उन्होंने बताया कि सेल्स ग्रोथ में इसमें कमी आई है, क्योंकि चाइना में रेस्ट्रिक्शन हुआ है। तो चाइना में जब रेस्ट्रिक्ट हुआ तो सेल्स ग्रोथ इसका कम हुआ, तो ऑटोमेटिक इसके शेयर की वैल्यू गिरी, जब शेयर की वैल्यू गिरी तो बक्साया शेयर की हेतवे की भी वैल्यू गिरी, क्योंकि 24% इनकी होल्डिंग थी। तो क्या अब ये होल्डिंग खत्म हो गई, अब क्या करेंगे? तो इसका एक सपोर्ट है, अभी आप देखेंगे तो ये देखेंगे 4 तारीख के डेट में, तो 4 तारीख के डेट में इनको एक यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल बना है, और इंडिसिसिव कैंडल के बाद ये तो अप जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो इसमें जो पैटर्न है उसके अनुसार ये नीचे ही जाना चाहिए, और इसको एक सपोर्ट है, जब एक ट्रेंड लाइन इसको हमने इसको एक ट्रेंड लाइन देखा है, तो इसको 285 के पास, 281-282 के पास यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन, जिस डेट को भी देखेंगे तो 280 से 285 के बीच में इसको एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर नहीं तोड़ता और यहाँ से ऊपर जाता तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये तोड़ेगा। और जो इसके 52 वीक लो है 279,410 को, उसको भी तोड़ेगा, और ये अपने नए सपोर्ट को गेन करेगा 270 का। तो क्या ये यहाँ रुक जाएगा? ये यहाँ पर भी, इसका भी बेसिस क्या है, इसका भी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ से जितना परसेंट ये यहाँ पे गिरा है, तो आप देखेंगे यहाँ से लगभग हाई जब बनाया था, हाई से जब गिरा तो 35,000 डॉलर का कम से कम तोड़ा है,
तो अब जो यहाँ से नीचे तोड़ेगा उतना ही यहाँ से और तोड़ेगा, तो जो कि वापस आता है 270 के आसपास आता है। तो इस लाइन से, सॉरी इस लाइन से जितना तोड़ा इसने, यहाँ से अब से लेंगे तो लगभग ये 335 और 292 35 का ही तोड़ा है, यहाँ से ऊपर तक 35,000 के आसपास तोड़ा है। तो यहाँ से नीचे भी 35,000 और तोड़ेगा, 3,000 से 292 से 35,000 और तोड़ेगा। तो 292 माइनस 35 करेंगे तो 357 के आसपास आता है। तो मोस्ट वैल्यू वो वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, 242 यहाँ पे जो सेकंड सपोर्ट है यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा ये। तो हैथवे, बक्शायर हैथवे में अभी भी कोई पोजीशन बनाए हैं तो अभी भी कॉशियसली बनाइए या सेल करके चलिए। मोस्ट वैल्यू हो सकता है इसमें फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट अभी अप ट्रेंड तो अभी चालू नहीं हुआ है। और अभी कोई रीजन से ये ऊपर जाए, इसको वापस 270 तोड़ना है, 270 में एक सपोर्ट मिलेगा और फिर वहाँ से गिरते हुए ये आगे जा करके आपको जो यहाँ पे 242-243 यहाँ पे सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करेगा। अब जब यहाँ पे पोजीशन बनाएगा उसके बाद इसमें बात कर सकते हैं कि आगे फर्दर पोजीशन क्या रहेगा, लेकिन जो इसमें पता चल रहा है यहाँ पे ये फर्दर 270 आपको दिखाएगा पहले और 270 के बाद 243 दिखाएगा। फिर भी 243,000 एक शेयर का वैल्यू है डॉलर में, तो समझिए कितना वैल्यू रहेगा। अभी तो अभी जो क्लोजिंग हुई है इसकी वो भी है 292,500 पे। एप्पल में भी देखें तो एप्पल में भी कोई गिरावट अभी रुकी नहीं है और एप्पल भी अभी $122 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों में अभी गिरावट रुकी ना, तो एप्पल में रुका है और ना तो हैथवे बक्शायर हैथवे में रुका है। बक्शायर हैथवे वरन मुखर्जी की होल्डिंग कंपनी है और इसमें बहुत सारे शेयर ये खरीदते रहते हैं। रिसेंटली इन्होंने ओरेकल फाइनेंस खरीदा है और इसमें एप्पल में भी इनकी पोजीशन है, इनकी अच्छी खासी टॉप होल्डिंग, बहुत सारे कोको कोला पेप्सी ये सब में इनकी अच्छी खासी होल्डिंग भी है। चलिए कोई बात नहीं, मतलब ये कहना है कि बड़े से बड़े लोग भी खरीदते हैं तो शेयर मार्केट में गिरावट ऐसा नहीं होता है, नहीं हो सकता है। उनका व्यू था कि एप्पल तो कभी टूटेगा नहीं, लेकिन चाइना के एक पॉलिटिकल इशू के कारण, चाइना में जो बैन हुआ उसके कारण, बैन नहीं हुआ है ऑफिशियली, बैन नहीं हुआ, अनऑफिशियली उनमें डिमांड कम हो गई है और उसके चलते एप्पल गिरा और एप्पल गिरा तो हैथवे गिरा। तो आप देखिए पॉलिटिकल इशू से भी कभी कभी समय यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बस ये एक छोटा सा एक अपडेट था, नॉलेज के लिए अपडेट था, बाकी और कुछ नहीं। अगर किसी का पोजीशन है, कोई भी फॉरेन ट्रेड करते होंगे तो अपने आप को रोकते हैं, रोक सके तो रोक लें अभी, या सेल की पोजीशन में आगे खड़े हो सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था। और पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट को बनाने से पहले आप अपना सलाह फाइनेंशियल एडवाइजर से लेने के बाद ही बने। मेरा कोई भी बाइंग या सेलिंग, मैंने कोई भी ऑप्शन मेरे द्वारा दिए गए व्यू से लेकर के नहीं बनाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज से इसको देख सकते हैं, रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।